हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो क्या भाई इधर आवाज, गुड आफ्टरनून। बिक्री बिक्री हो गई, चलो कोई बात नहीं। चलो आज थोड़ा सा है ना जनरल नॉलेज की भी बातें करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत रेशियो पढ़ के आए हो, था अकाउंट्स में? हाँ या ना? नो सर। और सीपीटी में था ना? फाउंडेशन नहीं, ट्वेल्थ में था। चलो ट्वेल्थ, कुछ लोगों को हाँ ट्वेल्थ में था। पढ़ा हुआ है जीपी रेशियो तो पढ़ा हुआ है? हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली क्या है, मेरे भी कोर्स में रेशियो एनालिसिस है और डिटेल वाला है, और 5 से 10 नंबर का वेटेज भी रहता है, क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और सेकंड में भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो अपने को रेशियो पे होल्ड बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, रीजन बीइंग वो सिर्फ उस चैप्टर में ही काम नहीं आएंगे, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और लिवरेज में भी काम आएंगे। यानी मैं जो पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा लिवरेज, उसमें भी कुछ बेसिक रेशियोज तो उससे ही शुरू हो जाएंगे। मैंने सारे रेशियो आपको दिए हैं, बुक में डाल के दिए हैं, सब कुछ जो भी डिफाइन करना है सब कुछ करके दिया, पर कुछ बेसिक तो अपने को पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, नाम तो डिफरेंस, तीनों में क्या डिफरेंस है, डेट इक्विटी रेशियो, ये तो आता होगा, डेट अपॉन इक्विटी। मैडम व्हाट इज डेट? बोरोड फंड मींस व्हाट? एक साल से छोटा या एक साल से बड़ा या सब या सारे, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट बोरोइंग्स को डेट ही बोलेंगे अपन, डिबेंचर है तो भी डेट बोलेंगे, लोन है तो भी डेट ही बोलेंगे, है ना। तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, सुना है पक्का? टोटल डेट होगा या नहीं होगा? टोटल डेट होगा या लॉन्ग टर्म डेट होगा न्यूमरेटर में? गरिमा जी, नो आइडिया। हाँ कुणाल, हाँ क्या होगा? ओ भाई खाबो में है, किधर है तू, है के शक्तिमान है? शक्तिमान देखा है सीरियल? वो हमारे टाइम तो, हम तो छोटे थे तो आता था, शक्तिमान का एक था स्टाइल था क्या, वो ऐसे करता वो, तो बॉडी वहीं रहती थी और उसकी आत्मा कहीं इधर उधर जाके आ जाती थी, हैं? ओ भाई शक्तिमान बॉडी यहीं है कहीं घूम रहा है? नहीं नहीं, हाँ वापस बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? हाँ तो फिर डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला, हाँ डेट अपॉन इक्विटी, सुना है? तो डेट क्या था, लॉन्ग टर्म डेट था, टोटल डेट था, टोटल डेट, टोटल और लॉन्ग टर्म में फर्क क्या पड़ता है? और टोटल में, हाँ जी कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं, एग्री हैं? इज इट लॉन्ग टर्म डेट इन द न्यूमरेटर, इज इट टोटल डेट? हाँ जी के दोनों, मैडम ने कहा दोनों ही होते हैं सर, एग्जामिनर की इच्छा। अच्छा अभी अभी खत्म नहीं हुआ ट्विस्ट, अभी खत्म नहीं हुआ, वो नीचे इक्विटी लिखा था नाम भाविक, हाँ नीचे इक्विटी लिखा था, डेट इक्विटी, इक्विटी क्या होता है सुनिएगा भाई, थोड़ा सा ट्विस्ट है, हाँ ओनर मतलब शेयर होल्डर, हाँ आगे बोल, उनके पास में कौन से शेयर होल्डर, प्रिफरेंस वाले नहीं, प्रिफरेंस वाले जनरल पब्लिक को इश्यू करते हैं। मैंने डेट इक्विटी की बात करी, मैडम ने कहा शेयर होल्डर्स फंड, हाँ शेयर होल्डर्स फंड का मतलब मैडम इक्विटी प्लस प्रिफरेंस प्लस रिजर्व सरप्लस भी, इज इट डेट इक्विटी रेशियो के डिनोमिनेटर में क्या
प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है, हाँ या ना? सोचना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन अटक जाएंगे। अच्छा मैडम ने एक बार बोला, मैडम इक्विटी कैपिटल ऑथराइज सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप कौन सी इशूड, हाँ डेट इक्विटी रेशियो में डिनोमिनेटर में इज इट ऑथर, मैंने इशूड बोला ही नहीं था, ऑथराइज्ड इशूड, ऑथराइज से छोटी होती है इशूड, कुछ इशू किए कुछ नहीं किए, फिर उसमें होती है सब्सक्राइब, उसमें से कुछ सब्सक्राइब किए कुछ नहीं किए, अनसब्सक्राइब रह गए। सब्सक्राइब में भी होती है कॉल्ड अप, 10 में से 8 रुपए कॉल किया, 2 अभी तक अनकॉल्ड है, उसमें से भी कुछ होता है पेड अप, यानी 8 कॉल किया उसमें से 6 ही पे किया, है ना डिफरेंस आया। 6 तरीके की इक्विटी शेयर कैपिटल दी, अपने डेट इक्विटी रेशियो में नीचे क्या आएगा? ऑथराइज आएगा, मैडम ने इशूड बोला, किसी ने सब्सक्राइब बोला, यानी देखो हम कर क्या है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखाऊंगा, पर समझ में आया कि हमें किस लेवल तक का डिटेल पता होना चाहिए। इट जस्ट नॉट इक्विटी, जस्ट बोल दिया डेट इक्विटी, नाम ही दिख रहा है डेट इक्विटी, डेट ऊपर रख दो इक्विटी नीचे रख दो नहीं चलेगा। अब थोड़े बड़े हो गए अपन, उस चीज का क्या मीनिंग है, उन्होंने चलो उन्होंने बोल भी दिया शेयर होल्डर फंड, तो मैंने पकड़ लिया प्रेफरेंस किधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर उन्होंने बोला इक्विटी कैपिटल, मैंने कहा कौन सी 5 है हमारे पास में, तो ये चीजों का ही हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अब सीखना है। अकाउंट सब ठीक था, उनका काम चल गया, क्योंकि वहां क्या होता था एक बैलेंस शीट देते थे, एक ही डेटा होता था वही भरना होता था। अब यहां आपको 5 चीजें मिलेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि ऑथराइज डालू, इशूड डालू, सब्सक्राइब डालू, कॉल्ड अप डालू या पेड अप डालू। मेरी बात जमी? चलो अगला, तो ये ऐसे कुछ रेशियो आज पढ़ते हैं। और अब मैडम आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आरओआई आरओई आरओए आज का काम वही है, पहले इनकम स्टेटमेंट करते हैं क्योंकि डेटा उसमें से भी निकलना है, तो उसके बाद वो रेशियो वाला ही काम है, इसलिए मैंने कहा ना बुक अभी काम नहीं आएगी, अभी मेरे को आपका वो जो बेसिक है जो इतना मेरे को ज़रूरत है वो मेरे को वापस ऊपर तक लाना है, फिर अपन अपना सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROA रिटर्न ऑन एसेट, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इन चारों में डिफरेंस है या नहीं है, तो ये सब चीजें सीखेंगे तो ही मैं अपना काम आगे बढ़ा पाऊंगा। तो टेंशन नहीं, डेटा के लिए हमें चाहिए इनकम स्टेटमेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट और डिफरेंस क्लियर हो गया, चार्ट्स क्लियर हो गए, तो लेट्स मूव टू, अच्छा अब मेरे पास में क्या बचा, इसका मतलब मेरे पास में पैसा देने के लिए, ये मैंने शुरुआत करी थी इनकम स्टेटमेंट की, सेल से अपन ने शुरुआत करी है ना, और जब सेल से शुरुआत करी तो मुझे पता चला कि अब मैं देखो रॉ मटेरियल, लेबर, स्टेशनरी ऐसे अलग अलग नाम नहीं लूंगा, मेरे पास में 4 बंदे हैं जिसको मुझे पेमेंट करना है। कौन है ये 4 बंदे? एक जिनका वेरिएबल लिंक है, वेरिएबल कॉस्ट का लिंक है, एक जिनका फिक्स कॉस्ट का लिंक है, एक जिन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया, और एक हमारा गवर्नमेंट। अभी सेल्स में से पैसा देना शुरू करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। बड़ा इजी स्टेटमेंट है और बड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट है, कोई बहुत रट्टा मारने वाला स्टेटमेंट नहीं है, बहुत लॉजिकल है। सेल्स में से अब पैसा देना है, सबसे पहले पैसा इन 4 लोगों में से, 4 नहीं बोलता हूं 6 बोल देता हूं, क्योंकि फाइनेंस में मेरे पास 3 कैटेगरी और है, इक्विटी प्रेफरेंस और डेट। क्या इनको तीनों को एक साथ पैसा दिया जाता है या इनमें भी सीक्वेंस होगी? तो मैं अब इनको 3 अलग कैटेगरी बोल देता हूं। तो मेरे पास एक कैटेगरी हो गई वेरिएबल, एक हो गया एफसी, एक हो गया इक्विटी शेयर होल्डर, एक हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक हो गया डेट होल्डर, और एक हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स। सबसे पहला पैसा किसको देना पड़ेगा? रॉ मेटेरियल मत बोल भैया, वेरिएबल कॉस्ट। अब मेटीरियल, लेबर, जो भी डायरेक्टली एसोसिएटेड है इस पेंसिल को बनाने के लिए, उसको सबसे पहला पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वो माल ही नहीं भेजेगा तो बनाओगे क्या? तो सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करूं सेल्स में से? मैं इसका ऑर्डर बना रहा हूं, इस स्टेटमेंट का ऑर्डर सिखा रहा हूं, रट्टा नहीं मार रहे। एक बहुत सिंपल लॉजिकल ऑर्डर है कि जैसे जैसे हम पे करेंगे ना वैसे वैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी, चलिए सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अब जो आया सेल्स में से वीसी कट हो गया, निकल गया, क्या बचा? इस आइटम को क्या कहूं मैं,
क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? हाँ, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? इज इट ग्रॉस प्रॉफिट? ये जो सेल्स होगी, मान लो 1 करोड़ रुपए की सेल्स है, उसमें से मान लो 40 लाख का वेरिएबल कॉस्ट कट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा 60 लाख, इज इट ग्रॉस प्रॉफिट? देखो मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं कि मेरा एफएम अकाउंट से क्यों डिफरेंट है, नहीं तो क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? क्या ये जो मैंने कैलकुलेट करके नंबर निकाला है, इज इट ग्रॉस प्रॉफिट? हैं जी, नहीं, क्यों? कौन से? जो अकाउंट्स में लेस होने के बाद जीपी आता है, और यहां मैंने अभी तक डिडक्ट नहीं किया, कौन सा ऐसा एक्सपेंस है? कौन सा है जो अकाउंट्स में फिक्स कॉस्ट ट्रेडिंग में जाता है? हाँ या ना, यही तो सवाल सही बोल रहा हूं ना, फिक्स कॉस्ट कोई ट्रेडिंग में जा रहा है जो मैंने यहां सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये जीपी नहीं है। हाँ, कौन सा है? रेंट ना बोलिएगा, रेंट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, वो ट्रेडिंग में नहीं जाता, वो तो पीएनएल में गया। डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, वो भी नीचे होता है। हाँ, और वेजेस फिक्स? हाँ, अच्छा, वेजेस फिक्स होती तो ट्रेडिंग में जाती, वेजेस फिक्स होती तो क्या ट्रेडिंग में जाती? वेजेस अगर फिक्स होती तो सैलरीज फिक्स होती है, कहां जाती है? सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, इतना तो ठीक है। यानी जनरली अकाउंट्स में भी माना जाता है वेजेस वेरिएबल ही होती है, डायरेक्ट कॉस्ट है, एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन है, इसलिए ऊपर गया। तो क्या ये जीपी हो गया? वहां पर भी फिक्स, ऊपर वहां पर भी नहीं दिखा हमें। परचेजेस वो आ गया, रॉ मटेरियल वगैरह, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो मेरे वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। और इज इट जीपी? यस, आया जवाब, हाँ लग रहा है भाई, मैंने पूछा है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलूं, क्योंकि मैडम ने किसी एक जन ने बोल दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ बोला ना, हाँ नाम है हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं बोला? अरे मैडम वहां पर भी एक्सपेंसेस बाकी होते हैं, पीएनएल में आते हैं, पर वहां वो एक बीच में लाइन आ जाती है, तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ना, ट्रेडिंग और पीएनएल के ब्रेकअप के बीच में है ना, तो मैंने भी यहां ब्रेकअप किया, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल दूं क्या? जवाब आपके स्क्रीन पे है, बस आपको देखने की बारी है, जवाब आपके स्क्रीन पे है। नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट होने से क्या हुआ, फिगर अगर सेम है तो टर्म भी तो सेम ही कहलानी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ो, जवाब मिलेगा। इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। क्या इसमें सेलिंग कमीशन भी आ गया था क्या? क्या सेलिंग कमीशन वेरिएबल एक्सपेंस होता है? 10% ऑफ सेल्स, इज इट ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो? एक होता है सेल्समैन की सैलरी, फिक्स सैलरी दी, एक होता है सेल्समैन को कहता हूं तू ये पेन बेच के आ, 12,000 का पेन है, तेरे को हर पेन पे 10% कमीशन दूंगा, यानी 1200 का कमीशन दूंगा, तो दैट 10% सेलिंग कमीशन इज इट अ वेरिएबल एक्सपेंस और इज इट अ फिक्स एक्सपेंस? हाँ या ना, वेरिएबल। तो क्या मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो मैंने अभी सब्ट्रैक्ट किया है, क्या उसमें सेलिंग कमीशन भी सब्ट्रैक्ट हो गया है? हाँ या ना? हाँ जी, हो गया है। क्या सेलिंग कमीशन ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? नहीं। डिफरेंस समझ में आया? वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग में आती है, वहां पर अकाउंट्स में प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग आती है, सेल्स में से जब वो डायरेक्ट कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? वो ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने यहां क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया है? मैंने यहां सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी सब्ट्रैक्ट कर दी और सेल्स भी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो अब जो फिगर आया है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, हाँ या ना? नहीं। क्या इसमें सेल्स के भी वेरिएबल एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट हो गए हैं? हाँ, समझ में आया जी डिफरेंस? सो माय कंट्रीब्यूशन इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, गॉट इट? तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं।
वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। ठीक है जी, तो अब सर इसका नाम कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों है? ये जीपी नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको मैंने नाम दिया कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने पहली बार पढ़ा या पहले पढ़ा हुआ था ये टर्म? पहली बार पढ़ा। तो सर इसको कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कहा? मेरे को जितेंद्र रेड्डी इसलिए कहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पसंद था नाम, छोटा था मेरे को पूछा ही नहीं तो मैं कुछ और रखता है ना, मैं ऋतिक रोशन रख लेता सर, पहले बनो तो सर ही है ना। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली नाम का कोई लॉजिक नहीं होता, नाम नाम होता है, बट फिर भी जबरदस्ती डिफाइन करूं, जबरदस्ती डिफाइन करने की बात करूं तो क्योंकि 100 रुपए का एक आइटम बनाया और उस आइटम को बनाने के लिए और बेचने के लिए डायरेक्टली एसोसिएटेड जो उसकी कॉस्ट है वो 40 रुपीज है, तो आइटम ने अपने को बनाने और बेचने की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके कंपनी के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है टू मीट आउट द फिक्स्ड कॉस्ट, और वो जो जिन लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को फाइनेंसर उनको जो रिटर्न देना है, तो वो आइटम ये पेन 100 रुपए का बेचा, इसको बनाने के लिए 40 रुपए लगे हैं, तो 100 रुपए का बेचा 40 लगे हैं, तो इस पेन ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है? 60। इसलिए इस फिगर को क्या बोल दिया, इस नंबर को क्या बोल दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी जबरदस्ती का लॉजिक है जी, नाम नाम होता है। ठीक है, बढ़ा दूं आगे, कोई दिक्कत नहीं। सो हमारा हो गया सेल्स में से वीसी गया, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मटेरियल, वेजेस, सेलिंग कमीशन, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, पैकेजिंग, सब सब्ट्रैक्ट हो गई। अब किसको पैसा देना है? फिक्स कॉस्ट। पहले डिबेंचर होल्डर या फिक्स कॉस्ट? सोच के देखो, पहले तो डिबेंचर होल्डर को क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट। ठीक है जी, पहले फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या? रेंट एंड डेप्रिसिएशन, नॉन कैश भी, कैश भी, कैश इज रेंट कॉस्ट एंड नॉन कैश इज डेप्रिसिएशन। पहले क्या सब्ट्रैक्ट होगा? फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन भी और रेंट भी, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम हमारा फिक्स्ड, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दूं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। अच्छा ये कौन सा वाला रेंट है? फैक्ट्री का रेंट है, ऑफिस का रेंट है, गोडाउन का रेंट है, या कोई आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर है उसका रेंट है, क्या सारे ही है जी? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। यहां पर ये जब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करी मैंने, तो आपने कहा रेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने कहा कौन सा रेंट? फैक्ट्री का, ऑफिस का, सेल्स के गोडाउन का, या अपना कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर है, खुद की दुकान है उसका, ये कौन सा वाला रेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? क्या इसमें सेल्स वाले रेंट सब्ट्रैक्ट हुए हैं, हाँ या ना? चलो देख लेते हैं। मैडम जरा वो डेफिनेशन पढ़ो फिक्स कॉस्ट की, नेगेटिवली रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। यानी यहाँ कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है वो भी आ गई, और जो सेल्स रिलेटेड है वो भी फिक्स कॉस्ट आ गई, सारी आ गई। तो कौन सा वाला रेंट है? गोडाउन का आ गया क्या इसके अंदर? फैक्ट्री का, ऑफिस का, सारे रेंट आ गए। सारे तरीके के डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, कोई भी तरीके का डेप्रिसिएशन हो सब इसके अंदर। अब उन्होंने एक चीज बोल दिया, ऑफिस ओवरहेड, ऐसा कुछ बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये कॉस्टिंग का वर्ड है। कॉस्टिंग में आपके टीचर सिखाएंगे मटेरियल का खर्चा अलग, फिर लेबर, टोटल मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट, उसके बाद वो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, ऐसे वो तीन ब्रेकअप करते हैं। कारण है, उनके तीन ब्रेकअप करने का कारण क्या है भैया? उनके सब्जेक्ट का एक पर्पज है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का पर्पज है कॉस्ट को कंट्रोल करना,
तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। फैक्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्ट्री का मैनेजर, ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिस का मैनेजर, और सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स का मैनेजर। बराबर है? तो तीन अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो वहां सेग्रीगेट करते हैं। मुझे मेरा पर्पस कॉस्ट का कंट्रोल करना नहीं है, तो इसीलिए मेरे यहाँ वो ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड वाला ब्रेकअप जो कॉस्टिंग में होता है उसकी जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना पर्पस है ना। मेरा पर्पस है कि मेरे को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, मशीन ए लानी है या बी लानी है, तो ये डिसीजन के लिए मुझे इस तरीके का ब्रेकअप नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, हमारे लिए तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, वेदर इट इज इनकर्ड इन ऑफिस फैक्ट्री सेलिंग ऑफ डिपार्टमेंट वेर एवर, वो सारा का सारा एक साथ आ गया। सभी को क्लियर हुआ? अब जो फिगर आया, क्या ये नेट प्रॉफिट हो गया? सोच के बोलना भाई हैं, क्या ये नेट प्रॉफिट है? देखो कहीं तो हम डिफरेंट है ना, अकाउंट्स और कॉस्टिंग और एफएम में डिफरेंस है, अगर सेम ही होना होता तो हम उन्हीं का फॉर्मेट यूज कर लिए होते। क्या ये नेट प्रॉफिट है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? हर चीज का क्यों होना चाहिए, क्यों जब तक नहीं आता ना दिमाग में इसका मतलब ब्रेन नहीं चल रहा है। हाँ बोलो। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट अराइव करते वक्त क्या पीएनएल में टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है? हाँ या ना? अभी तक इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो जो फिक्स पेमेंट है हमारे फाइनेंस प्रोवाइडर को, उसको पेमेंट नहीं हुआ। एक और पेमेंट नहीं हुआ मैडम। डिविडेंड कहाँ आता है पीएनएल में? वो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। टैक्स, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स। हाँ या ना? दो चीजें नहीं हुई अभी तक, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आया, यानी ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है अभी तक। इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों सब्ट्रैक्ट करने बाकी, तो मैं क्या मैं इसको नया नाम दे दूं? हाँ बोलो। नेट फिर कैसे हो गया मैडम? नेट का मतलब होता है जब सब चीजें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ई बी आई टी। जमेगा नाम? सुना है, समझ में आया कहां से आया? वो अकाउंट्स वाले नहीं लाते, वो हमारे इस स्टेटमेंट का टर्म है। ठीक है, तो नाम दे देता हूं इसको जी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में बोल देते हैं ई बी आई टी। ओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मेट समझ में आया, लॉजिक भी समझ में आ रहा है, कैसे चल रहे हैं अपन आगे? तो अभी देखो, वेरिएबल वाले सारे पे हो गए, फिक्स वाले रेंट वाले भी पे हो गए, फिक्स सैलरियां भी पे हो गई, नॉन कैश डेप्रिसिएशन भी पे हो गए चार्ज, वो भी लेस हो गया। कोई इनटेंजिबल है तो उसके इसमें क्या होता है? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, उसमें क्या करते हैं फिर? अमोर्टाइजेशन। इट्स सेम, टेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, वो भी इसमें गया। इट्स कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे सब्ट्रैक्ट हो गए? प्रोडक्शन से रिलेटेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूं। क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे लेस हो गए? सोच लीजिएगा। क्या सेल से रिलेटेड भी सारे खर्चे सब्ट्रैक्ट हो गए? क्या बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड सारे खर्चे लेस हो गए, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट? तो क्या मैं इसको एक नाम दे दूं? कौन सा वाला प्रॉफिट? ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो गई तो बचा क्या? तो इसको एक दूसरा नाम और दे देते हैं। क्या बोलेंगे इसको? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ना ये जीपी है ना ये एनपी है, ओपी है। ठीक है, अब किसको सब्ट्रैक्ट करना भाई? हाँ, अब किसको सब्ट्रैक्ट करना? इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और टैक्स, या एंड टैक्स, या इंटरेस्ट एंड देन टैक्स, या टैक्स एंड देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड देन टैक्स। क्यों भाई पहले इंटरेस्ट क्यों?
एक तो मैं बहुत, देखो आप क्यों नहीं पूछोगे तो मैं पूछ लूंगा। हाँ, आउटसाइड लाइबिलिटी है, डेट होल्डर इज आउटसाइडर, इसलिए उसको प्रिफरेंस शेयर होल्डर इज इनसाइडर। कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा? किसी में नहीं लिखा है। और बोल। हाँ, ज्यादा भरना पड़ता है इसलिए उसके बाद में देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक सेकेंड, वापस बोल। आपने डिविडेंड भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद टैक्स दोगे? ओ भाई, अगर ऐसा अलाउ कर देना मोदी जी, मैं सारा प्रॉफिट ही डिविडेंड दे दूं, बचेगा ही नहीं तो टैक्स क्या ले जाएंगे मोदी जी? सरकार चल गई अपनी। ये तो ठीक नहीं रहा लॉजिक। हाँ, और कोई? पहले टैक्स करेंगे। ओके, क्यों मैडम? वो क्यों? हाँ, गौर तो पे करना होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है। तो डिबेंचर वाले को पे नहीं करना है क्या? ऐसा कहीं लिखा है क्या? डिबेंचर वाले ने कहा बचे तो देना, नहीं तो नहीं देंगे, चलेगा? एक 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 करके। हाँ हाँ, इन सब का किसका? तो पहले डिविडेंड देना है क्या टैक्स के? पहले इंटरेस्ट देना, फिर तो फिर डिविडेंड। ये सीक्वेंस कहां से आया? मेरे को वो सीक्वेंस कहां से आया वो जानना है। उसमें से इंटरेस्ट दूं, टैक्स के बाद इंटरेस्ट? हाँ हाँ हाँ। सो क्यों? अरे प्रॉफिट तो मैं डिविडेंड भी ऊपर ले लेता हूं और कम हो जाएगा और टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जवाब दे देता हूं, अपने इस सस्पेंस को खत्म करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे ये टॉपिक। रीजन भी, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, उस एक्ट में सर ने पढ़ाए होंगे, पांच हेड होंगे, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स और सैलरीज। वो जो बिजनेस प्रोफेशन वाला हेड है उसमें लिखा हुआ है, समझ में आया? उसमें लिखा हुआ है कौन सा सेक्शन है वो सर से पूछ लेना, कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ चार्जेबल एक्सपेंस। क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है इसलिए पहले क्या सब्ट्रैक्ट होगा? इंटरेस्ट। उसमें लिखा हुआ है कि डिविडेंड इज नॉट अ चार्जेबल एक्सपेंस, इसलिए टैक्स के पहले डिविडेंड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में आया? इसमें लॉजिक नहीं था, इसमें लॉ था। लॉ में लिखा है कि पहले इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करो, बचे हुए प्रॉफिट पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, लेकिन डिविडेंड पहले सब्ट्रैक्ट करने नहीं देंगे। बाकी और कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। लॉ में अगर नहीं लिखा होता ना तो हम फिर इंटरेस्ट भी कहां जाते? नीचे, टैक्स के बाद में। गॉट इट? समझ में आया? क्या सब्ट्रैक्ट करूं पहले? हैं जी, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। हाँ भाई, कौन सा डेट? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? हाँ, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म। अरे क्रेडिटर्स को भी इंटरेस्ट देते हैं क्या? तो फिर शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट है तो कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म होता है, ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म होता है। कुछ शॉर्ट टर्म डेट पे इंटरेस्ट लगता है, कुछ पे नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म पे जनरली सभी पे लगता है, ठीक है? इधर कौन सा वाला इंटरेस्ट है? शॉर्ट टर्म वाला है कि लॉन्ग टर्म वाला है? इट्स ऑल डेट लिखा मैंने, कहा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं लिखा। कोई भी तरीके का डेट है उस पर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। गॉट इट? चलो सब्ट्रैक्ट कर दें। अब क्या बचा? हाँ, दोनों का, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्हाटएवर इट इज, पूरा इंटरेस्ट यहां सब्ट्रैक्ट होगा। अब बचा उसको क्या कहो? अर्निंग्स बिफोर, अभी आफ्टर, आफ्टर टैक्स कहां सब्ट्रैक्ट किया? आफ्टर इंटरेस्ट बोलना अच्छा नहीं लगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, बस इतना, ठीक है? चलो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ई बी टी। अभी कौन सब्ट्रैक्ट होगा भाई? पक्का?
किसी को डाउट नहीं है ना आप तो? चलिए, लेस कौन सा टैक्स, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट तो आयाराम और गयाराम, वो अपनी बुक्स का अपने को इफेक्ट नहीं करता, कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को दे दिया, अपन तो सिर्फ एक मीडिएटर है। जो गया टैक्स वो अपनी पॉकेट से कौन सा गया है? इनकम टैक्स। यहां पर कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है? इनकम टैक्स। चलो अभी बची अर्निंग्स को क्या कहेंगे? अर्निंग्स, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अर्निंग बिफोर डिविडेंड मत बोलना, क्यों? क्योंकि डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड में तो रेट होती है, इक्विटी डिविडेंड की कोई रेट नहीं होती, इसलिए जब वो चीज फिक्स नहीं है इसलिए वैसा नहीं बोलेंगे, इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। शॉर्ट में EAT, क्या हुआ जी? सेकेंड बेंच क्या हुआ? कोई दिक्कत है? समझ में आया? सेल से EAT तक पहुंच गए। अच्छा, ये कई लोग EAT की जगह PAT भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो E की जगह P भी रिप्लेस होता है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? कौन सा? मैडम प्रेफरेंस वाला छोड़ देगा, फिर उसने शेयर किस लिए खरीदते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस वाले को एज द नेम सेज प्रेफरेंस मिलता है। किस में प्रेफरेंस मिलता है? और वाइंडिंग अप में जो एसेट की सेल होगी तो उनको पहले पैसा मिलेगा। गॉट इट? प्रेफरेंस शेयर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं क्या? नहीं। कहां लिखा? लॉ में, देयर कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, वहां लिखा हुआ है इररिडीमेबल नहीं करेंगे। चलो, पार तो हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो हमारे लिए फ्रॉम एफएम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए रिडीमेबल भी क्वेश्चंस में आएंगे और इररिडीमेबल भी आएंगे। रीजन बीइंग, मेरा एफएम सिर्फ इंडिया को लिमिट नहीं मानता, हमारा सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में एक जैसा चलता है, तो मेरे क्वेश्चन में इररिडीमेबल भी होंगे और रिडीमेबल भी होंगे। नेक्स्ट, यहां पर जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट एफएम में हम हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मानेंगे। क्या डिफरेंस होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में? अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो अरियर्स वाले डिविडेंड भी देने पड़ेंगे। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव डिफरेंस समझ आता है? नॉन क्यूमुलेटिव हुआ ना, ईयर 2020 में प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलोगे नहीं मिलेगा डिविडेंड, और जब 2021 में प्रॉफिट होगा तो उसको दो साल का नहीं देंगे नॉन क्यूमुलेटिव के केस में, 2021 का ही देंगे। और यही अगर क्यूमुलेटिव हो जाता तो जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल कितने साल का प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा? दोनों साल। हाँ जी कुन्ना ध्रुव, क्लियर? पक्का? बढ़ा दू जी आगे, बेसिक है ये सब। आई थिंक 11th 12th में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थोड़ा सा उसी चीज को रिकैप कर रहे हैं, है ना? तो लेस सब्ट्रैक्ट करता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब जो बचा उसको हम बोलेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब तो डिविडेंड दे दूं, कितना फिक्स? पूरा दे दूं? पूरा देने की जरूरत नहीं है, जितना बोर्ड और जितना AGM जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा उतना डिविडेंड जाएगा। तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लेस इक्विटी डिविडेंड्स। अब बचा उसको क्या कहूं?
अब जो बचा उसको क्या कहूं? एक आया टर्म रिजर्व एंड सरप्लस, एक टर्म आया अभी यहां किसी ने कुछ बोला था रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर, क्या इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ बोलो भाई, लास्ट कॉर्नर। हाँ ये साल का है, एक साल का इनकम स्टेटमेंट है। हाँ बोलो आप, नंबर के साथ एग्जांपल बोल दे। 5 लाख बचा, हाँ और बचा हुए 2 लाख का क्या करेंगे? थोड़ा कम जमा और कोई। हाँ क्या ये रिजर्व सरप्लस है बैलेंस शीट में जो होता है? बैलेंस शीट में ही होता है ना। हाँ मैडम जी बोलो, क्या ये रिजर्व सरप्लस? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। हाँ क्या ये रिजर्व सरप्लस है? क्या रिजर्व सरप्लस और ये जो बचा फिगर, इसमें और उस रिजर्व सरप्लस में डिफरेंस है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ डिफरेंस समझिएगा, ये इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए बनेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपका पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बनाते ना, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट भी एक पीरियड का बनेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो भी ईयर होगा। इट कैन बी अ क्वार्टर, इट कैन बी फॉर सेमी एनुअल, 6 महीने का भी बन सकता है। ये जो बचेगा, ये प्रॉफिट बचेगा डिविडेंड बांटने के बाद, रिटेन्ड अर्निंग फॉर दैट पीरियड। रिजर्व सरप्लस में क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस भी आता है, हाँ या ना? पिछले साल का मेरे पास में रिजर्व सरप्लस का बैलेंस था लेट से 10 लाख रुपीस, ठीक है। इस साल का ईयर 21-22 का मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया, इक्विटी का डिविडेंड दे दिया, अभी बचा है मेरे पास में प्रॉफिट 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख जाके कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, उस रिजर्व सरप्लस में एड हो जाएगा। जनरल एंट्री आती है किसी को? इसकी कोई जनरल एंट्री होगी क्या? वहां लिखते थे ना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, हाँ या ना? इसकी कोई एंट्री नहीं होती थी, ये क्लोजिंग बैलेंस जाके उस प्रॉफिट एंड लॉस में एड हो जाता था। तो अगर ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है और आपका सारा डिविडेंड इंटरेस्ट टैक्स लेस करने के बाद इस साल आपने 2 लाख रुपए बचाया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में कितना फिगर आएगा? हाँ जी कितना फिगर आएगा? ओपनिंग में 10 लाख, ये सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 लाख बचा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस कितना आएगा? 8, 10 या 12, वो जाके उसमें ऐड हो जाता है। डिफरेंस समझ में आया? रिजर्व सरप्लस और रिटेन अर्निंग में, रिजर्व सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर का रिटेंशन कंबाइंड होके आता है। सो रिजर्व सरप्लस, ये चीज रिजर्व सरप्लस नहीं। गॉट इट? डिफरेंस क्लियर हो गया जी? देखो बहुत बेसिक चीज है, कईयों को पता होती है पर वो क्लिक नहीं होती, और कईयों को नहीं पता है उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अब मैं अगर, हाँ बोलो, एक बार और बताते हैं, चलो एक बार और बहुत अकाउंट्स का एग्जांपल ले लूं, अकाउंट्स का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक रहेगा। मेरे पास में मैडम बैलेंस शीट पड़ी है, कब की? 31 मार्च 2021 की, ठीक है। 31 मार्च 2021 इक्विटी मेरे पास में है 50 लाख, मेरे पास में रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख, ये मेरा 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। 21-22 कंप्लीट होने को आया है, क्या बनाएंगे अपन इसका? ट्रेडिंग एंड P&L, और फिर उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन, वो सब बनाएंगे अपन। बेसिकली ये वही चीज है, इनकम स्टेटमेंट सारी चीजें सब्ट्रैक्ट हो गई, P&L अप्रोप्रिएशन वाली भी सब्ट्रैक्ट हो गई क्या? P&L अप्रोप्रिएशन में अपन डिविडेंड डालते हैं, 2 डिविडेंड, क्या इसमें डिविडेंड भी चले गए, क्या इसमें इंटरेस्ट भी गया, डेप्रिसिएशन, रेंट, सब कुछ खर्च। बेसिकली ये जो फिगर बचेगा, ये आपके P&L अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर का लास्ट बैलेंस होगा। तो लेट्स से P&L 21-22 मेरे पास में अप्रोप्रिएशन है बेसिकली बाय नेट प्रॉफिट PAT आफ्टर टैक्स, लेट्स से 5 लाख रुपीज आया। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? अकाउंट्स में क्या आता है?
प्रेफरेंस डिविडेंड दे दूं, पीएटी लिखा यानी कि इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ जा चुका है, अकाउंट्स का फॉर्मेट है भाई टी शेप, ये तो आता है। अब इसमें से क्या जाएगा, डिविडेंड ही सब्ट्रैक्ट होगा, टू प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000, टू इक्विटी डिविडेंड 250,000, 3,00,000 खत्म हो गया, हमने डिविडेंड बांट दिया, बचेगा क्या करेंगे, बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, यही मार लिखते थे, टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ऐसा ही कुछ होता था, टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कितना बराबर है। अब इस साल की बैलेंस शीट बनाओ, चलो इस साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2022। हाँ मैडम, कैपिटल कितनी होगी, इक्विटी कैपिटल तो उतनी है अगर कोई नया शेयर इशू वगैरह नहीं किया, तो इक्विटी कैपिटल इज 50,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ जी अब बताओ कितना होगा, 10,00,000, और ये 2,00,000 मिला के टोटल कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में, 12,00,000, गॉट इट। मेरे यहां पर इसका मतलब ये वाला फिगर, ये कौन सा वाला फिगर होगा, 10, 2 या 12, हाँ जी ये वाला फिगर कौन सा होगा, सबको सब 2,00,000, डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को, यानी ये रिजर्व सरप्लस का बैलेंस है नहीं, इट इज रिटेंशन फॉर द पीरियड। मैं ईयर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वार्टर का भी बन सकता है, ये हाफ ईयर का भी बन सकता है और ईयर का भी बन सकता है। आई होप एवरीबडी गॉट द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। किसी को प्रॉब्लम है क्या जी, लॉजिकल लगा, रटने की जरूरत नहीं है, याद करो फटाफट, पूछता हूं देखो, क्यों समझ गया, चलो हाँ हाँ भाई, किसी को पहले डाउट हो तो वो भी अपना डाउट पूछ लो, कैसा भी डाउट हो, लॉजिक क्लियर, ऑर्डर क्यों ऐसा बनाया क्लियर, कौन सी चीज किस में क्लब हो गई, डन याद हो गया, पढ़ा दूं आगे, चलो याद हो गया मानता हूं, इसमें कुछ था ही नहीं, पर अब चाहे हम कोई भी चैप्टर करेंगे ये फॉर्मेट बार बार बनाते रहेंगे, ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, हाँ क्या हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया यार, 10 मिनट लेट शुरू करते हो और 10 मिनट पहले बोल देते हो। अभी आपके लिए आज का होमवर्क, अभी आपके लिए आज का होमवर्क, हाँ जी होमवर्क, लिखो लिखो होमवर्क है ये, पूछूंगा कल, और उसमें जो टर्म्स यूज होगी उसके बारे में, जैसे मैंने अभी आज डेट इक्विटी के बारे में समझाया ना आपको, अभी समझाया नहीं सिर्फ पूछा ही पूछा था, है ना, तो वो एक एक टर्म क्यों है वो पूछूंगा, ठीक है, और उसमें क्या इंक्लूड हो गया और क्या एक्सक्लूड हो गया वो चीज आनी चाहिए। है सबके पास बुक, हाँ तो बस थोड़ा सा आज का होमवर्क अभी और है, 6 वो मैं लिखूं, वो मेरे हैं इसलिए मैंने छोड़ दिया सीक्वेंस, वो आपने पढ़े नहीं है इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया,
ROCE. ROA. नेक्स्ट देखो, अराउंड करीब 50 एक रेशियो है, और जब तक मैं उस रेशियो के चैप्टर तक पहुंचूंगा तब तक आपको आधे तो याद हो जाएंगे, याद इन सेंस वो क्या है वो भी समझ में आ जाएंगे. अभी और है 10, रट के नहीं आना, हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए. वो पूछना है अपने को, डेट इक्विटी, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो. मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं मैडम, हम पढ़ा देंगे. ठीक है, अभी टर्नओवर रेशियो याद है? टर्नओवर नहीं, नहीं. ठीक है, चलो आपके लिए आज 10 ही है, और 12 में से 2 तो मैंने गायब कर दिए है ना. 10 रेशियोज आने चाहिए. कल पूछूंगा जीपी रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कौन सी सेल्स, नेट सेल्स कौन सी क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है ना. तो इसमें कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, दोनों. आसान था, कुछ ऐसे ही सवाल होंगे. ठीक है जी, चलिए डन फॉर टुडे. जिन्होंने रजिस्टर करवा लिया प्लीज नीचे से बुक ले लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं कराया वो प्लीज अब रजिस्टर करा लें भाई है ना. अब अपन ने पढ़ाई भी शुरू कर दी. मैं आज भेजूंगा, वो थोड़ा सजा के भेजूं है ना, तो मिल जाएगी.